Hello everyone. So yes, CET का you guys already know that there is a huge problem going on. CET का result apparently इस बार बराबर नहीं है. That is what the students and most of the teachers are also claiming. So guys, what is the present status? वो केस कितना आगे बढ़ा, क्या हुआ? I had promised that मैं तुम्हें regularly update दूंगा. I am actively involved in the entire process that जो चल रहा है, जैसा चल रहा है. So here I have to give you an update on what is happening. And also there are a few things that I need your help on. मुझे तुम्हारी जरूरत है ये सब में. So guys, first of all, what is the present status? उसके लिए I'll have to tell you what are the students' effort that are paying off. So you might have noticed that आज एक नोटिस आया था जिसमें बोला है that 15 जून को कैप राउंड प्रोसेस चालू होगा, 15 जून को. तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू गेट अ स्टे ऑन इट. हम उस पे स्टे ऑर्डर लाने की ट्राई कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू मूव लीगली अगेंस्ट इट. बट द प्रॉब्लम इज दैट अगर हमारे पास बहुत ज्यादा लोग हैं तो ही जज हमें सीरियसली लेगा और तो ही उस पे स्टे आएगा. अगर है बस हम 30-40 लोग जो लड़ रहे हैं पूरे 1 लाख लोगों के लिए, तो देन जज विल से दैट अरे तुम लोग को 30-40 लोग को ही प्रॉब्लम है, बाकी लोगों को प्रॉब्लम नहीं है. हम तुम 30-40 लोगों के लिए 1 लाख लोगों का रिजल्ट या फिर कैप प्रोसेस अटका नहीं सकते. दैट इज वेर वी नीड योर हेल्प. दैट इज वेर वी आर फेसिंग एन इश्यू. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट इज द सीईटी रिजल्ट रियली रॉन्ग. आई नो दैट देर इज अ क्लास जिसने एक ग्रुप बनाया है विच सेज नो केस ऑन सीईटी. यू नो व्हाट दैट ग्रुप इज फॉर? दैट ग्रुप हैज पीपल जिनको पता है दैट अगर ये रिजल्ट का गफला नहीं होता, घोटाला नहीं होता, तो उनको जेबी मिल जाता था. तो एंड वहां पे आई एम टेलिंग यू गाइस, मुझे बहुत गालियां मिल रही है वहां पे. आई कैन इवन सेंड यू स्क्रीनशॉट्स दैट वो लोग बोल रहे हैं दैट क्रैकर टेस्ट बंद करवा दो, जिगर पारे को ये कर दो, जिगर पारे को वो कर दो. एंड सो दैट इज quite literally it's very sad that even the teacher there is not taking any action. The group has been made by a teacher and that is just I hope that that doesn't continue where there should be some kind of an integrity between teachers also. तो रिजल्ट्स गलत है इसका एक प्रूफ एक ही है. हम सीईटी सेल में गए थे एंड कमिश्नर को हमने सिर्फ इतना बोला सर हमें 5% 500 परसेंटाइल नहीं मिले. सो लाइक इफ यू इवन सी 2 दिन पहले एक न्यूज आर्टिकल आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में. एक रियल न्यूज आर्टिकल है जो टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था जिसमें पूरा था दिस. ये तब की बात है जब हम सीईटी सेल गए थे. द सीईटी कमिश्नर सेड दैट देर आर 500 परसेंटाइलर्स और ये जो पूरा बखेड़ा खड़ा किया है वो कोचिंग क्लासेस वालों ने चालू किया है वो अपने फायदे के लिए बिकॉज ऑफ देयर वेस्टेड इंटरेस्ट. गाइस मेरा इसमें कुछ फायदा नहीं है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनको बोल रहे हैं एज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है. एंड सेकेंड थिंग इफ आई एम देयर इट इज बिकॉज इवन आई एम अ रेगुलर सीईटी टेकर. तुम्हारे लिए मैं बस एक सीईटी टेकर हूँ. मैंने तुम्हें पैसा दिया है, फीस दी है सो दैट तुम एग्जाम अच्छे से कंडक्ट करो. वो तुम्हारा काम है और मैं तुम्हें आंसर मांग रहा हूँ दैट क्यों एग्जाम बराबर नहीं कंडक्ट हुई तो तुम्हें इतना क्या डर लग रहा है. एंड ऑब्वियसली व्हाई विल द कमिश्नर इवन अग्री टू समथिंग वेयर ही नोज दैट ही हैज डन रॉन्ग. वी आस्क्ड हिम फॉर 500 परसेंटाइलर्स के नेम. उनके तो पीसी में सारे पड़े होते हैं, सारे रिजल्ट्स है. हमने उनको बोला दैट 100 परसेंटाइलर्स के नाम दो, उन्होंने नहीं दिए. हमने उनको बोला दैट लिस्ट रिलीज करो, उन्होंने अब तक लिस्ट रिलीज नहीं की है. वी आर आस्किंग देम सर प्लीज रिलीज द लिस्ट. हमने उनको रिटन में भी दिया है, ही हैज सेड हियर दैट एक रिटन में एप्लीकेशन दो. तो हमने उनको रिटन में एप्लीकेशन दिया है एंड वी आर रियली रिक्वेस्टिंग दैट गाइस प्लीज प्लीज सर रिलीज द एक्चुअल रॉ स्कोर्स एंड स्लॉट वाइज परसेंटाइज. व्हाट वी आर ट्राइंग टू गाइस आस्क देम सीरियसली इज दैट अगर हमारे पास रॉ स्कोर है, अगर हमारे पास मेरा हमारा अपना रिस्पॉन्स शीट है देन मैंने ये मार्क किया, मैंने ये मार्क किया, मैंने ये मार्क किया और आंसर किया दैट ये सही ये गलत है. ये चीज ऑलमोस्ट सारी एग्जाम्स देती है. अब बोलो सीईटी में भी, इनफैक्ट बाकी सारी एग्जाम छोड़ो सीईटी सेल भी इंजीनियरिंग सीईटी को ये सब देती है. एंड इसकी वजह से फायदा क्या है? ना ही इंजीनियरिंग सीईटी में कभी कोई मिस्टेक्स होती है, कभी भी रिजल्ट का गफला नहीं होता और सारे रिजल्ट्स ट्रांसपेरेंट होते हैं. हमें पता है जो मुझे रिजल्ट आया वो सच्चा रिजल्ट है, झूठा रिजल्ट नहीं है. यहाँ हमें कोई भरोसा नहीं है. एंड भरोसा कैसे होगा? लास्ट 3 साल से एग्जाम में प्रॉब्लम हो रही है. सो दैट इज व्हाई वी आर जस्ट आस्किंग दैट सर हमें प्रूफ दीजिए. अगर आप प्रूफ देंगे तो हम पीछे हट जाएंगे, हम गलत हो जाएंगे, हम गलत प्रूफ हो जाएंगे. बट आप प्रूफ कीजिए दैट हम गलत है. बट वो करने के लिए अब तक रेडी नहीं है एंड वी रियली होप दैट दे स्टार्ट गेटिंग रेडी फॉर इट. तो सीईटी से ये बोल रहा है दैट हमारे को मिस्टेक नहीं है और ये स्टूडेंट्स ऐसे ही भड़का रहे. सो दिस इज माय रिक्वेस्ट टू यू ऑन अ पर्सनल फ्रंट दैट अगर तुम्हें कोई बोल रहा है दैट जिगर बार ये कर रहा है वो कर रहा है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ. आई एम सीरियसली जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू. मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है. इट्स बिकॉज 3 साल से मैं देख रहा हूँ दैट स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं. ऑल्सो वन थिंग हैज कम आउट दैट जिगर पारे के कोई स्टूडेंट्स नहीं जा रहे तो उनको गलत लग रहा है दैट
उनके स्टूडेंट्स नहीं गए तो रिजल्ट गलत हो गया, ऐसा नहीं है यार। अगर बाकी किसी के भी स्टूडेंट्स नहीं जाएंगे तो उनको भी गलत लगेगा, और ऐसा नहीं है दैट मेरे स्टूडेंट्स नहीं जा रहे, मेरे है स्टूडेंट्स जो जा रहे हैं, बट आई डोंट वांट टू बोस्ट अबाउट इट, दैट इज अ डिफरेंट टेल ऑल टुगेदर। मेरे है स्टूडेंट्स जो जा रहे हैं, आई विल नॉट से अबाउट इट। यहाँ जो लोगों को राइटफुली नहीं मिला है, हक नहीं मिला है, वो गलत चीज है, मैं उसके लिए लड़ रहा हूँ। ओके, व्हाट हैपेंड यस्टरडे, सो वी हैड गॉन टू सीईटी, लाइक वापस स्टूडेंट सीईटी चले गए थे, और वहां ये बात हुई थी। इट वाज सो टू थिंग्स हैपेंड, वन डे बिफोर यस्टरडे नागपुर में अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वेंट एंड टॉक टू अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन का पीए, एंड उनकी वजह से, उनकी हेल्प से एक लेटर गया, देयर इज प्रेशर बीइंग बिल्ड। गाइस इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट प्रेशर बिल्ड हो रहा है सीईटी सेल पे, जहां पे उनको ये करना पड़ रहा है, वो सीरियसली रिजल्ट अच्छे से रिलीज करना चालू कर गई है, या एटलीस्ट उनको करना पड़ेगा रिजल्ट अच्छे से रिलीज, दैट इज द प्रेशर दैट इज बीइंग बिल्ट ऑन देम। अगर इसमें सिर्फ एक चीज हो गई, अगर प्रेशर रिलीज हो गया, अगर हमने मेहनत करना बंद कर दी, या फिर लोग कम हो गए, तो वापस सेम लेवल पे आ जाएंगे, सब कुछ गिर जाएगा, और सीईटी अगले 10-50 साल तक ऐसे ही चलती रहेगी, दैट वो अपनी मनमानी करते रहेंगे और गलत तरीके से रिजल्ट देते रहेंगे, सो विच इज नॉट अ गुड थिंग। एंड वो ये साल नहीं, अगले साल भी अगर तुम रिपीट करोगे तो फायदा नहीं है तुम्हारा, बिकॉज वही चीज होती रहेगी तुम्हारे साथ, नाइंसाफी होती रहेगी। दैट इज वॉट वी आर ट्राइंग टू फाइट अगेंस्ट। हु इज हेल्पिंग अस? द बिगेस्ट हेल्प दैट वी आर गेटिंग अस स्टूडेंट्स, नथिंग एल्स, ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स। एंड ऑनेस्टली वी हैव अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इन द लीगल सिस्टम, दैट अगर हम कोर्ट में जाएंगे, जब हम जाएंगे, जाना पड़ेगा ही, टू चेंज दिस एंटायर रूल, जो सीईटी का पूरा रूल है वो चेंज करने के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा, और हाई कोर्ट से एक ऑर्डर लाना पड़ेगा। वी आर रेडी टू फाइट द केस, बट वी आर आस्किंग फॉर योर सपोर्ट, बिकॉज गाइज कोर्ट में जाना, इट इज गोइंग टू बी अ कॉस्टली मैटर, एंड वो सिर्फ हम 100 लोग, अगर 50-100 लोग करेंगे तो गाइज नहीं हो पाएगा, वी वोंट बी एबल टू अफोर्ड इट। बट हम 100 लोग करेंगे तो फायदा लाख के लाख लोगों का होगा, और आगे जितने साल आ रहे हैं उनका होगा। सो आई एम आस्किंग यू दैट इट इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बिग थिंग, ट्रस्ट मी। अगर तुम ये साल नहीं लोगे, अगर तुम सिर्फ कोई पीजीडीएम कॉलेज में एडमिशन भी ले लोगे, तो तुम 8 लाख 10 लाख फीस दे दोगे। देर आर ऑल्सो कॉलेजेस विच हैव यू पे 14.7 लाख, आई वोंट नेम द कॉलेजेस, बट इतनी ज्यादा फीस वाली कॉलेज है, उसके सामने द कॉन्ट्रीब्यूशन जो तुम्हें केस में देना पड़ेगा विल बी नथिंग, बट उसके बदले तुम्हारी लाइफ आगे की सुधर सकती है। एंड दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, प्लीज बी रेडी टू हेल्प आउट इन द कोर्ट केस व्हेन द स्टूडेंट्स कम आउट विद द कोर्ट केस। आई विल गिव ऑल द अपडेट्स, मैं सब कुछ तुम्हें दूंगा, यू गाइस जस्ट बी रेडी टू सपोर्ट। एंड फाइनली, हुम डू वी नीड हेल्प फ्रॉम? वी नीड हेल्प फ्रॉम द स्टूडेंट्स हु हैव बीन रॉन्ग। अगर तुम्हें लगता है दैट तुम्हारा रिजल्ट गलत हुआ है, देन दिस इज द चांस टू प्रूव इट। आई विल शो यू दैट हमें क्या करना है अभी। सो गाइस गाइस, ये क्यूआर कोड स्कैन करना है तुम्हें, और एक फॉर्म फिल करना है। वो फॉर्म में क्या है, दिस फॉर्म इज बेसिकली प्रूफ दैट इस बार का सीईटी रिजल्ट गलत है। एंड हाउ, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस। ये देखो, आई एम सिंपली आस्किंग यू दैट तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा लास्ट टाइम का परसेंटाइल क्या था, उसका प्रूफ भेजो, उसका जो तुम्हारे पास स्कोर कार्ड होगा वो दो। ये बार का सीईटी परसेंटाइल क्या है उसका प्रूफ दो। अगर तुम्हारे परसेंटाइल 60 से डायरेक्टली 0 हो गए हैं, 90 से 80 हो गए हैं, इतने ज्यादा परसेंटाइल का फर्क नहीं आ सकता गाइस, दैट मींस दैट द रिजल्ट इज रॉन्ग, दिस इज प्रूफ दैट द रिजल्ट इज रॉन्ग। सो प्लीज मेक श्योर दैट गाइज यू आर स्कैनिंग दिस क्यूआर कोड एंड यू आर फिलिंग द फॉर्म, सो दैट हमें पता चले कितने लोगों के साथ गलत हुआ है, एंड दिस विल बी प्रूफ फॉर अस टू शो इन फ्रंट ऑफ द लॉयर एंड इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट दैट ये गलत हुआ है। एंड अगर हुआ है तो ही हमें डिटेल्स मिलेंगी, तो ही सीईटी सेल हमें जो सही हो रहा है वो गलत हो रहा है वो गलत एक्सेप्ट करेगा और हमें बताएगा दैट हाँ ये गलत हुआ है। सो गाइज आई रिक्वेस्ट, आई रियली रिक्वेस्ट योर हेल्प योर, आई नीड यू गाइज टू ट्राई टू सपोर्ट अस इन एज मेनी नंबर्स एज पॉसिबल। आई एम ट्राइंग टू वर्क फॉर यू गाइज, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू इन एनी वे दैट आई कैन। सो प्लीज जस्ट मेक श्योर दैट ये सारी बातें ना फैले, दैट जिगर पारे अपने फायदे के लिए कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू आउट। एंड ट्रस्ट मी, मेरा तो ठीक है, बाकी स्टूडेंट जिनका नाम भी सामने नहीं आ रहा है, वो लोग बिहाइंड द सीन्स बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, मुझसे भी ज्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं, वो लोग यहाँ दौड़ रहे हैं, वहां दौड़ रहे हैं, दे आर गोइंग टू दिस पावरफुल पर्सन, दैट पावरफुल पर्सन, तो ये सारी जगह पे वो लोग जा रहे हैं। एंड आई रियली होप दैट यू गाइज अंडरस्टैंड, वो ये सब सिर्फ उनके लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी कर रहा है, इनका फायदा तुम्हें भी होने वाला है, एंड आई रियली होप दैट यू गाइज सपोर्ट देम इन एनी वे दैट यू कैन। सो गाइज दिस वॉज दी अपडेट ऑन द केस दैट इज गोइंग ऑन, एंड जितना आगे होगा आई विल कीप अपडेटिंग यू। यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे भी सारे अपडेट्स में देता रहूँगा। ओके बाय एवरीवन।